के द्वारा और उड़ाने में बल्लेबाज यहां पर सक्षम। कमाल का स्टॉक पहले गेंद से यहां पर जाएगी स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। पहले गेंद पे तगड़ा छक्का यहां से और टीम का अकाउंट 6 रनों से ओपन होता हुआ। बल्लेबाज का रबदा स्ट्राइक पे भैया ईश्वर भाई और नो स्ट्राइक पे विकास और ईश्वर भाई की जोड़ी क्रीज पे। और इस बार यहां पर फिर से एक बार निगाह है कहीं पे और निशाना कहीं पे, ये गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। और इस 2 गेंदों में 10 रन। हेमंत का भी यहां पर निर्मल साबुन से धुलाई करते हुए हेमंत की, दोनों यहां पर विस्फोट बल्लेबाज हेमंत पोलार यहां पर जो कि बॉलिंग लाइन पे, क्योंकि तारीफें करूंगा बल्लेबाजों की। इस बार छोड़ा यहां पर और स्टंप पे गेंद है, निश्चित तौर से यहां पर छोड़ा बल्लेबाज ने, इस बार ने अच्छी तरीके से गेंद को छोड़ा और इस गेंद को छोड़ा, मिस गेंद की है जरूर यहां पर बल्लेबाज ने। ये और स्टंप को मिस करते हुए गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के स्थान में, गलती की गुंजाइश नहीं वाला। इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 11-11 पे, बेहतरीन तरीके से यहां पर मुकाबला, ये चौथा मुकाबला प्रगति पे। अमृत भाई डॉक्टर साहब भी यहां पर ये मुकाबला खेलते हुए, हरेश काका उनके साथ बेहतरीन। इस बार हवा में उड़ाया है गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे आ जाए और अमृत भाई डॉक्टर मिस किया गेंद को और कैच ड्रॉप किया आसान सा, शायद विजय को लपकने दिया होता तो सक्षम रहते ये कैच लपकने में। अंतिम क्षण में हाथ में आई गेंद को छोड़ा यहां पर, राइट टर्न वॉज विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर विकास को हेमंत भाई, फिर से अपनी बॉलिंग लाइन पे कमाल की गेंदबाजी जो कि एक हल्का सा चांस जरूर बना था लेकिन आखिरी क्षण में यहां पर मौका गवाया। और इस मौके के चलते यहां पर बल्लेबाज क्या चौका मारेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैच का मजा लूटिए, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म गोटे, साथ में हल्की हल्की ठंडी हवाएं और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। इस बार अच्छी गेंद, छड़ों में डाली हुई गेंद और गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। इस चौकी के साथ टीम का स्कोरबोर्ड देखो बताए 16 पे बम बम भोला, क्या होगा आगे का, फिलहाल मजा लूटिए मैच का। एचडी गेंदबाजी पे, एचडी पहुंचे यहां पर गेंदबाजी पे, सामना करेंगे ईश्वर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ईश्वर को गेंद डाल गई यहां पर एचडी, राइट टर्न मौजूद गेंदबाजी के लिए पहुंचे एचडी यहां पर। पहली गेंद अच्छी गेंद, हवा में झूलती गेंद गई विकेट कीपर के दस्तान में, गलती की गुंजाइश नहीं यहां से, कमाल की गेंद यहां पर एचडी के द्वारा। वनराज पहुंचे यहां पर गेंदबाजी के लिए, इस बार उछाला है गेंद को, फील्डर की ओर छोटी हुई गेंद जाएगी यहां पर सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और इस चौकी के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 20-20। यहां पर पूरी तरीके से इस बार लपेटा है गेंद को, भेजा मेरू की सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। और इस चौकी का टीम का स्कोर बोर्ड 26 पे, कमाल का स्टॉक इस बार बल्ले से निकाला यहां पर ईश्वर ने।
मानो कि ईश्वर आज शेड होकर आए पूरी तरीके से यहाँ पर घर से ही और अच्छी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। और नंबर दूसरा यहाँ पर इस इनिंग का प्रगति पे और टीम का स्कोरबोर्ड 26 पे। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, क्या अच्छी फील्ड भी इसके साथ। निश्चित तौर से डॉट पर गेंद रहेगी है। ओह, इस बाल कमाल का स्ट्रोक और गेंद को भेजा है टिकट बारी ने, कमाल का स्ट्रोक। और इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 32 पे। कमाल की यहां पर पावर हिटिंग, मानो के अच्छी यहां पर बल्लेबाजी। वो यहां पर काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। ओ, इस बार कट किया है गेंद को, शायद हाथ में आ जाती लेकिन खिसक के गई गेंद 4 रनों के लिए। ईश्वर भाई अगर बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाते तो विपुल भाई की ओर से 500 का इनाम, विपुल भाई पालड़िया की ओर से 500 रुपए का इनाम। विपुल भाई मास्टर बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाते हैं तो विपुल भाई पालड़िया की ओर से 500 रुपए का इनाम भैया। जो कि यहां पर दो ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड 36 पे। कमाल की बल्लेबाजी दो ओवरों से ईश्वर और विकास के द्वारा, कमाल की बल्लेबाजी दोनों के द्वारा और दोनों के पास क्षमता है। बिल्कुल बार नंबर इनिंग का तीसरा और अपने स्केल का दूसरा ओवर डालने के लिए पहुंचे हेमंत। यहां पर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां करना चाहेंगे, पास प्ले पूरी तरीके से खत्म हो चुका है यहां से। ओवर नंबर तीसरा डालने के लिए पहुंचे हेमंत भाई। अच्छी तरीके से यहां पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि फिलहाल यहां पर बल्लेबाजी बहुत ही हावी हो रही है। मामा 11 ठीकरिया की और इनको रोकना पड़ेगा यहां से, तो कितने रोकने में सक्षम रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राइट टर्न मधुकर गेंदबाजी करेंगे, ये दिशा इन गेंद और विकेट कीपर और थर्ड मैन के फील्डर दोनों चुके, गेंद गई 4 रनों के लिए बाय के रूप में। और इस पंजे के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 41 पे। मेरे साथ डेबू बैठे हैं, मैच का मजा ले रहा है, मैच देख रहा है, आज घर से फोन आया नहीं है डेबू को। इस बार अपनी बॉलिंग लाइन पे इस बार उड़ाया है हवा में गेंद, हेमंत पोलार कैच करने में यहां पर असक्षम रहेंगे, काफी ऊपर तक गेंद गई और ये मौका गवाया। और ये सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने, ये सिंगल के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 42 है, जो कि काफी चिंतित रहेंगे यहां पर हेमंत भाई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने प्रयास किया ही नहीं है कैच लपकने का और बाहर की ओर खींच के ले गए डॉक्टर साहब को कवर पॉइंट पे। कवर पॉइंट पे यहां पर जो कि अच्छी फील्डिंग के साथ बेहतरीन तरीके से, जो कि मिड विकेट के ऊपर यहां पर सभी जगह फील्डिंग की सजावट बेहतरीन तरीके से, फील्डिंग की सजावट हेमंत भाई के द्वारा। राइट टर्न मधुकर गेंद करेंगे यहां पर ईश्वर को उड़ाने का प्रयास, निश्चित तौर से यहां पर अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंद मानो तो।
इस तरीके की गेंदबाजी करने की आवश्यकता है यहाँ से, क्योंकि फील्डरों ने अभी तक साथ थोड़ा कम दिया है गेंदबाजों का। अगर फील्डरों का थोड़ा सा साथ मिलता तो शायद ये मुकाबला पूरी तरीके से अभी इतना आगे ना बढ़ता। रोकने में सफल रहते यहाँ पर गेंदबाज। फिर एक बार राइट टर्न मौत विकेट गेंद और अवार्ड का इशारा, लेग स्टंप से फटके अंपायर लालजी ठाकुर ने दिए बैट के झटके और इस अधिविरोध के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 43 पे। क्यों बताया जाती है मुकाबला बेहतरीन मुकाबला है आज की नाइट का, ये चौथा मुकाबला अच्छी तरीके से प्रगति पे मुकाबला ये, और फिलहाल हम मजा लूटते हुए सभी प्रेक्षक अभी तक। इस बार यहाँ पर सादा गलत कर बैठे बल्लेबाज और पहले विकेट का पतन यहाँ पर ईश्वर मास्टर की फ्लाइट वापस यहाँ से, पहले विकेट का पतन लगने वाला है मामा इलेवन ठीकरिया को पहला झटका करारा और पहले विकेट का पतन यहाँ से, कैच आउट होकर वापस जाएगी। कमाल का कैच यहाँ से, कमाल का कैच, बेहतरीन कैच, मानो कि एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने बेहतरीन गेंद लपका है। जल्द फील्ड सजा भैया, फिर से एक बार शायद तखाजी खारा भी हो गए आज की मैच में, क्योंकि हरेश काका तखाजी खारा साथ ही में जो कि हेमंत भाई अच्छे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं आज, तो चौबा से देवराज भाई टीचर अच्छे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं आज, मानो कि अच्छा मुकाबला रहेगा ये। नए बल्लेबाज का नाम बताया भैया, एम के पहुंचे बल्लेबाजी के लिए। थोड़ा सा जल्दी कीजिए भैया, राइट टर्न मौत विकेट गेंदबाजी एम के को करेंगे हेमंत। इस बार दिशा चूके और जाएगा ये चार रनों के लिए और वाइड का इशारा निश्चित तौर से, लेक्शन से भटके अंपायर लालजी ठाकुर ने दिए वाइड के झटके, बाहर के रूप में जाएगा ये चौका। टोटल पंजी के साथ टीम का स्कोरबोर्ड बताइए देवू 48 पे, और ये दूसरी बार हुआ यहाँ पर इस ओवर से, गलतियां करनी चाहिए नहीं, ऐसी गलतियां होगी तो शायद ये मुकाबला हाथों से फिसल जाएगा। कमाल का मुकाबला है और अच्छी तरीके से बनाए रखे मुकाबले को। आयो लाल भैया, एक जड़ो बुटा भी वहां पड़े तो आलो तो अंदर, ओ भाई वहां पड़े तो जड़ो आलो। फिर से बात ग्राउंड विकेट गेंद करेंगे, ओ इस बार कमाल का स्टॉक, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे और आसान था कैच ड्रॉप करेंगे यहां पर फील्डर, मानो कि आज फेविकिक चिपका के नहीं आए हाथों में, इसलिए शायद कई सारे कैच गवाए आज देखा जाए तो। यहां पर चेम्बुआ इलेवन ने शायद ये पांचवा कैच यहां से ड्रॉप किया है फील्डरों ने, और इस तरीके की फील्ड की आवश्यकता है नहीं यहां से। ये गेंदबाज को सपोर्ट मिलेगा जब आप कैच लपकेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा गेंदबाज का। जड़ में डाली हुई गेंद बेहतरीन गेंद उठाना चाहते थे लेकिन अब सक्षम रहे, टीपा खाने के बाद गेंद आउट स्पिन होती हुई और सीधा जाएगी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस काका के दस्तान में गलती की को गुंजाइश है नहीं। स्कोर बोर्ड भाई रुका थमा हुआ सा। इस बार कमाल का शॉट बेहतरीन सिक्सर, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर जाएगा छक्का और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड बताया देवू 55 पे, एक करारा झटका लगता लगा है यहां से, डबल पंजा 55 पे टीम का स्कोर बोर्ड। छोटे कमांडो जल्द भागिए, अड़काए बाबा जंगल में गेंद गई है, ढूंढ के लाइए जल्द से जल्द कोबरा कमांडो यहां पर। लाजवाब सेवा है, मिशन सक्सेसफुल, 2 मिनट में कमाल का मिशन करके ये गेंद को अड़काए बाहर के जंगलों में से फिर से ढूंढ के निकाल के लाते हैं इस ग्राउंड में वापस करते। नंबर 14 यहां पर परिवर्तन जरूर करेंगे, यहां पर गेंदबाजी में जरूर परिवर्तन किया है और परिवर्तन के दौर पर यहां पर नए गेंदबाज आए गेंदबाजी के लिए।
आरपी पहुंचे, आरपी सिंह यहाँ पर जो कि इंडियन टीम के आरपी सिंह थे, रुद्र प्रताप सिंह जो कि मेरे सबसे चाहते और फेवरेट गेंदबाज आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह। लेकिन यहाँ आरपी सिंह पहुंचे, क्या कमाल करके दिखाते, मानो कि ये भी अच्छे गेंदबाज है, लंबा छोड़ा रहना फैम उनका, बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करना चाहते है। राइट टर्न मौजूद गेंदबाजी के लिए आरपी ठाकुर पहुंचे है। लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, वाइड का इशारा निश्चित दौर से, वही सतीरे रन के चलते यहां पर टीम का स्कोर 56 पे क्या है फिक्स, यहां से देखा जाएगा। फिलहाल मैच का मजा लूटिए, दर्शक कहीं मत जाइए, दिल जान के बैठिए, अभी मजा आ रहा है मुकाबला देखने का। ये चौथा मुकाबला आज की नाइट का, ये कमाल का मुकाबला। इस बार क्लीन बॉल किया, चारों खाने चिप्ट यहां पर चलता किया बल्लेबाज को, कमाल की गेंद यहां पर आरपी ठाकुर के द्वारा, और एक विकेट का पतन यहां से, ये लगने वाला झटका नंबर दूसरा, यहां से दूसरे विकेट का पतन यहां से, ठीक मामा इलेवन ठीक करिया को, एमके की फ्लाइट यहां से वापस। जो कि पहली गेंद भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लेग स्टंप को मिस कर गई गेंद, वरना वो भी गेंद यहाँ पर सीधा जाके विकेटों पे लगने वाली थी। नए बल्लेबाज का नाम बताए, नए बल्लेबाज का नाम बताए, संजय पहुंचे बल्लेबाजी के लिए। जैसे यहाँ पर दो विकेट का पतन हुआ है, जरूर मानो कि हमारा वापस एमके वापस पहुंचे, वैसे संजू आए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, जो कि एक संजू इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, जो कि अभी इंडियन टीम से बाहर है, लेकिन ये संजू को यहां पर मौका मिला जरूर। टीम मामा इलेवन टिकरिया में क्या कमाल करके दिखाएंगे संजू। फिलहाल आरपी यहां पर गेंदबाजी पे सलमान के साथ खेला आपने, फॉलो थ्रू में यहां पर गेंद लपकने का प्रयास, लेकिन काफी दूर रही है गेंद, तखा दिखाना गेंद के पीछे आते हुए, और सिंगल से संतुष्ट, संजू ने इस सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर बढ़े सिंगल के साथ 57 पे। कम बैक करवाते हुए मानो कि यहां से अपनी टीम को आरपी ठाकुर, कमाल की गेंदबाजी इस ओवर से आरपी ठाकुर के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार लव भेजा मिड विकेट सी मारे के बाहर छह रनों के लिए, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 63 पे। कमाल की बल्लेबाजी यहां से देखा जाए तो विकास के द्वारा, बेहतरीन बल्लेबाजी, जो कि वो ओपनर बल्लेबाज आए थे अभी तक क्रीज पे डटे हुए, अपनी टीम के लिए अपना काम करते हुए पूरी तरीके से, जो काम यहाँ पर टीम के कप्तान ने करने के लिए भेजा उनको पूरी तरीके से वही काम विकास यहाँ पर करके दिखाते हुए अपनी टीम को, और शायद आत्मविश्वास से भरपूर विकास बर्बादी करते हुए। इस बार भी क्लिक शॉट, बेहतरीन तरीके से क्लिक किया गेंद को, कमाल का स्टॉक, और गेंद को भेजा यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में, सिक्सर के लिए, छक्के के लिए, और इस छक्के साथ टीम का स्कोर 69, बैक टू बैक लगने वाला है दूसरा सिक्स, कमाल की बल्लेबाजी यहां से विकास के द्वारा। मैं भी तारीफें करूंगा विकास की, जो कि दो गेंदों पे दो बड़े बड़े छक्के यहां पर जड़े हैं, इस गेंद पे क्या होगा देखा जाएगा, आने वाला वक्त बता ही देगा। इस बार भी तेज तार प्रहार, गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर, मेन विकेट के ऊपर से सिक्स, बैक टू बैक लगने वाला है तीसरा छक्का यहां पर विकास के बल्ले से, कमाल की इनिंग यहां पर विकास के द्वारा, और टीम का स्कोर 75 है। बैक टू बैक ये लगने वाला इस ओवर से तीसरा सिक्सर, जरूर यहां पर आरपी ने विकेट छटका था, लेकिन पहले गेंद पे विकेट छटकाने के बाद काफी यहां पर महंगा साबित होने वाला है ये ओवर, ओवर नंबर तीसरा चौथा, माफ कीजिएगा समझ आऊंगा, ओवर नंबर चौथा, काफी यहां पर भारी संख्या में यहां पर रनों की लूटौती कराते हुए, मानो के तिजोरी से खजाना लुटाते हुए आरपी, सिर्फ एक गेंद शेष यहां से ओवर की, और नंबर चौथे की, बैक टू बैक के लगने वाला चौथा शिक्षा, कमाल की बल्लेबाजी यहां पर विकास के बल्ले से, मानो के तारीफ करूंगा यहां पर विकास की, छोटा कद लेकिन पूरा अनुभव,
और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए विकास मानो की यहाँ पर धजिया उड़ाते हुए गेंदबाज की कमाल की बल्लेबाजी, तारीफें करूंगा विकास की, सराहना की हद हद के पीछे विकास यहाँ पर मामा इलेवन ठिकरिया की ओर से बल्लेबाजी करते हुए और टीम का स्कोर बोर्ड 4 ओवर के बाद 81 पे 81 पे, जो कि यहाँ से सिर्फ डेबू 2 ही करारे झटके लगे हैं। विस्फोटक पुट में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर से देखा जाए तो 26 रन आए हैं, 1 वाइड का, 4 सिक्सर, 1 सिंगल, 1 विकेट जरूर मिला लेकिन उसके बाद ये महंगा साबित हुआ। और क्या नाम भाई गेंदबाज का? वनराज। वनराज पहुंचे यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अपनी स्केल का और नंबर दूसरा डालने के लिए वनराज पहुंचे हैं। और काफी विस्फोटक मूड में यहाँ पर संजू यहाँ पर सिर्फ एक ही रन इस पे अभी डटे हुए, इस बार अच्छी तरीके से यहाँ पर कट किया है गेंद को। वाला तथा जी खाना के पास जाएगी ये गेंद है, इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर पर सिंगल से संतुष्ट, यहाँ से सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ा 82 पे। राइट टर्न होते विकेट गेंदबाज यहाँ पर वनराज के हाथों में गेंद सामना करेंगे यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाज विकास, इस बार काफी उछाल के साथ गेंद और निश्चित तौर से वाइड का इशारा, इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ा 83 पे। कमाल की यहाँ पर एम्पायरिंग लालजी ठाकुर लाइव फ्रॉम कड़ी, कड़ी से बुलाया गया है, 1500 करोड़ में खरीद के लाया यहाँ पर अपू सिंह ने एम्पायरिंग की सेवा देने के लिए। इस बार भी तगड़ा प्रहार जाएगा वन बाउंस चौके के लिए और इस चौके के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 87 पे। कमाल की यहां पर बल्लेबाजी, तारीफें करूंगा बल्लेबाज की विकास की, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विकास, विस्फोटक मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 पे बल्लेबाजी करते हुए विकास, जो कि अच्छी बल्लेबाजी विकास के द्वारा, तारीफें करनी पड़ेगी विकास की। फिर एक बार बॉलिंग लाइन पे और इस बार यहाँ पर शायद हवा में गेंद और विकेट का फतन यहाँ पर विकास की पारी को रोका है, यहाँ से रफ्तार भरी ट्रेन को यहाँ पर वापस भेजने में सफल रहे हैं यहाँ पर इस बार गेंदबाज वनराज, जो कि बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में और आसान सा कैच और 1 विकेट का फतन। विकास जो यहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे उस धुआंधार बल्लेबाजी को आखिरी क्षणों में रोका यहाँ पर वनराज ने और ये विकेट नंबर 3rd डाउन यहाँ से 3रा विकेट का पतन और नंबर 5वां प्रगति पे यहाँ से जरूर वनराज को मिली सफलता अपनी स्क्वेल के अंतिम ओवर से। नए बल्लेबाज का नाम बताया मेरे भाई, क्या अनिल, अनिल पहुंचे यहां पर बल्लेबाजी के लिए। बोलो अनिल, 3 बैक-टू-बैक सिक्सर लगाते हैं तो 5100 रुपए का इनाम विपुल भाई बलिदान एकेडमी की ओर से, सिंगल से संतुष्ट और सिंगल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 88 पे 88। और अगर यहां से अनिल यहाँ पर बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाते हैं तो विपुल भाई बलिदान एकेडमी की ओर से 5100 का इनाम रोक और वो भी इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा और विकेट का पतन, संजू की फ्लाइट जाएगी वापस और 1 विकेट डाउन यहाँ से लगने वाला है 4th करारा झटका संजू के रूप में, संजू बाबा की फ्लाइट वापस यहाँ से दूसरी सफलता इस ओवर से। कमाल की गेंदबाजी वनराज के द्वारा कमबैक करवाते हुए अपनी टीम को वापसी में आके रख दिया यहाँ पर, पूरी तरीके से मुकाबला एक तरफी चल रहा था लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक किया यहाँ से, क्योंकि दो ओपनर बल्लेबाज ईश्वर और विकास है जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों की फ्लाइटें वापस जा चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर कमाल की रोक लगाई है गेंदबाजों ने और वो भी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी शोर से, तो मानो की तारीफ काली पे करूंगा इस गेंदबाज की वनराज की, कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी। नए बल्लेबाज का नाम बताए
दशरथ पहुंचे हैं। राइट टर्न में विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर अमन दशरथ को। सनवार के साथ केलाल के हाथों से रन की को गुंजाइश ने स्कोर बोर्ड वैरू का थमा हुआ सावर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ। और इस डॉट बॉल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड बताया डेबू 88 डबल मातलाब है। और यहां से देखा जाए तो 5 ओवरों का खेल समाप्त। 5 ओवर के बाद 88 पे टीम का स्कोर बोर्ड 4 विकेट के नुकसान पर। और वनराज पहुंचे हैं। सॉरी माफ कीजिएगा देवराज पहुंचे गेंदबाजी के लिए। देवराज यहां पर लेफ्ट टर्म में होती फिर गेंदबाजी के लिए देवराज यहां पर अनिल को गेंद डालेंगे लाइन पे। यहां पर देवराज इस बार देवराज पर वनराज मानो कि अनिल यहां पर हावी हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। यह लंबा सिक्सर और ये छक्का तो मानो कि बेहतरीन तरीके से खेला। और इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 94 पे। कमाल का स्टॉक इस बार बल्ले से निकाला भेजा अड़काया बॉल जंगल के इलाकों में। और बैक टू बैक अनिल 3 सिक्सर लगा दे तो विपुल भाई बलिदान डिफेंस अकेडमी एकांश का इनाम देने वाली है। और इस बार चूके यहां पर अच्छी गेंद लॉलीपॉप गेंद डाला और अनिल को चकमा देकर गेंद गई सीधा यहां पर हरीश काका के दस्तानों में। गलती की को गुंजाइश ने स्कोर बोर्ड मेरे पास थमा हुआ था। पीछे देवराज लाइन पे यहां पर गेंद करेंगे यहां पर अनिल को। इस बार स्टेप आउट करके खेल रहा फुल टॉस गेंद था और डायरेक्ट का चांस लेकिन मौका गवाया सिंगल से। दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 95 है। कमाल की गेंदबाजी छक्का खाने के बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक अच्छी तरीके से यहां पर गेंदबाजी करते हुए देवराज सोच समझ कर गेंदबाजी की आवश्यकता आ रहा वही कर रहे देवराज यहां से जो कि यहां पर स्ट्राइक पे दशरथ क्या यहां पर कर सकते हैं दशरथ देखा जाएगा आने वाला वक्त बताएगा। फिर आ यहां पर अच्छी गेंद मिस करते हुए यहां पर बल्लेबाज को गेंद जाएगी सीधा यहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। हरीश काका से कोई गलती नहीं स्कोर बोर्ड में रुका थमा हुआ बेहतरीन तरीके से। देवराज बहुत ही बढ़िया खान कब्बे यहां पर करते हुए गेंदबाजी में छक्का खाने के बाद कमाल की गेंदबाजी। इस बार ब्रूम शॉट लगाया है और इस ब्रूम शॉट के चलते सिंगल से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 96 पे। अनिल यहां पर बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाते तो विपुल भाई बलिदान डिफेंस अकेडमी की ओर से 5100 का इनाम। देवराज फिर से एक बार लाइन पे यहां पर इस बार तगड़ा प्रहार स्टेट ड्राइव किया है सीधा और चौका यहां पर वन बाउंस। और इस चौके साथ टीम का सैकड़ा पूरा होता हुआ टीम का स्कोर बोर्ड 100 पे। यहां पर शतक 100 थम्स अप। और की समाप्ति 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड 100 पे। और नंबर 7वां अरविंद के हाथों पे गेंद लाइव होम चेंबुआ चेंबुआ से अरविंद यहां पर गेंदबाजी पे लाइन पे राइट टर्न में विकेट गेंदबाजी करेंगे दशरथ को। ये यहां पर खराब गेंद नो बॉल का इशारा और गेंद को भेजा है चुराले की दिशा में 6 रनों के लिए। सोनों में सुहागा यहां पर मुफतलाल के खातों में रनों की बढ़ोतरी। इस सत्य के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 107 पे। कमाल का स्टॉक दशरथ के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देश ओवरों में काफी तगड़ा मुकाबला यहां पर दशरथ और अनिल की जोड़ी क्रीज पे अच्छी यहां पर बल्लेबाजी दोनों के द्वारा। इस बार भी उड़ाया है कहा जाएगी गेंद फील्डर को ढूंढ लेगी आसान सा गेंद ड्रॉप यहां पर हेमल बॉलर के हाथों से ये छूटने वाला दूसरा खेत। और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 108 पे। और अब अमृत काका काफी खुश रहेंगे डॉक्टर साहब क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ा था उसके बाद हेमंत भाई ने 2 कैच छोड़े हैं। अब चिंता का कोई विषय है नहीं कल सुनना नहीं पड़ेगा वो यही सोच रहे हैं वरना कई सारा सुनना पड़ता। इस बार चरम डाली गेंद बेहतरीन गेंद और अमृत काका से काफी दूर रहेगी गेंद डायरेक्ट का चांस लेकिन मौका गवाया
और इस सिंगल का कॉल जरूर लेकिन पूरा नहीं हुआ है यहां से, जो कि बेहतरीन तरीके से यहां पर फील्ड की जरूर यहां पर अरविंद की अच्छी गेंदबाजी। एम बायर लाल बी टावर, 4G नेटवर्क, 3G नेटवर्क, 5G नेटवर्क, 6G नेटवर्क यहां पर अरविंद लाइव पहुंचे हुआ। यहां पर गेंदबाजी अपनी लाइन पे, फिर से एक बार राइट टर्न होते हुए गेंद करेंगे, कमाल की गेंदबाजी यहां से अरविंद के द्वारा। वो नंबर इनिंग का 7वां और टीम का स्कोर बोर्ड 108 पे, इमरजेंसी 108, इमरजेंसी 108। डॉक्टर साहब काफी खुश मुस्कुराते हुए धनंजय त्रिवेदी के सामने। वहां चलो बटाली हुई गेंद, बेहतरीन गेंद और डॉट बॉल, ये निजी तौर से इमरजेंसी 108, इमरजेंसी 108, इमरजेंसी 108। टीम का स्कोर बोर्ड 108। अरविंद विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए, सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अरविंद की अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी अरविंद। अनिल विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन इस ओवर से रोका गया अरविंद को। अच्छी यहां पर गेंद, सिंगल से संतोष अमृत काका ने थ्रो किया है और इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 109 पे। डॉक्टर साहब आज थोड़े से नाखुश लग रहे हैं शायद, कैच छोड़े ले, जो कैच ड्रॉप किया था उसके चलते बहुत ही नाखुश है, क्योंकि तब कैच लपका होता तो शायद इतना बड़ा स्कोर बोर्ड हुआ नहीं होता। उन्हें भी पता है, चिंता का विषय जरूर है लेकिन अब जो हो चुका है उसका रोना क्या। अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड, 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड 109 पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओवर की समाप्ति यहां से। इनिंग का ऑन नंबर आखिरी ऑन नंबर 8वां, इनिंग का ऑन नंबर 8वां और फिर से यहां पर देवराज गेंदबाजी थे, अनिल और दशरथ की जोड़ी 21 पे डटी हुई। डॉक्टर साहब को ऊपर की ओर खींचते हुए चालू मैच साहब कैमरा साफ ना कराओ रेवा दीजिए। इस बार अच्छी गेंद कमर की, उछाल के साथ यहां पर गेंदबाजी लेकिन सिंगल से रोकने में सक्षम नहीं रहेंगे फील्डर। और ये सिंगल का कॉल था लेकिन दो के लिए भागे, दो का कॉल पूरा किया यहां से और इस दुखे के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 111 पे, 111 पे। कमाल की बल्लेबाजी यहां से देखा जाए तो मामा 11 डिगरिया की ओर से। ओवर नंबर आखिरी इस इनिंग का और लेफ्ट टर्न में विकेट गेंदबाजी के लिए चढ़ में डाली गेंद, बेहतरीन गेंद कमाल की गेंद है, तारीफ करूंगा इस गेंद की। डॉट बॉल के साथ स्कोरबोर्ड में रुका थमा हुआ सब बेहतरीन तरीके से। इस तरीके की गेंदबाजी की करने की आवश्यकता जरूरी यहां से, अब जो भी गेंदे शेष है इसी तरीके की गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि एक लंबा छोड़ा स्कोरबोर्ड खड़ा हो चुका है। उड़ाने का प्रयास है निजी तौर से असफल और डायरेक्ट हिट का चांस था लेकिन मौका गवाए यहां पर, सिंगल चुरा लिया, सिंगल के चलते टीम का स्कोरबोर्ड 10 सॉरी माफ कीजिएगा 112 पे, 112 पे, 112। कमाल की यहां पर बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी रनिंग बीच बोर्ड विकेट कमाल की यहां पर, दशरथ और अनिल की जोड़ी बीच पे जो कि अनिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां से, दशरथ थोड़े से संघर्ष में दिख रहा है जरूर यहां पर दिक्कतों का सामना करते हुए इस बीच पे दशरथ। इस बार उड़ाने का प्रयास और जाएगी गेंद 6 रनों के लिए, कमाल का स्ट्रोक बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में शिक्षा और इस छक्के के चलते टीम का स्कोर बोर्ड 118 पे, 118 पे। भैया समा चाहूंगा, जल्द मुकाबला शुरू करें अमृत भाई।
नो अपील नो दलील। फसा मुकाबला नीतीश भाई ये क्या लाल भाई भाई कुछ भी नहीं है ना। क्षमा चाहूंगा यहाँ पर, क्षमा चाहूंगा आपसे। सिक्सर तो है भैया और इस सके जल्दी टीम का स्कोर 118 पे इस बार ला फेड़ा और आ जाएगा गेंद। कमाल की फील्ड यहां से, अच्छी ड्राइव, आखिरी क्षणों में बेहतरीन तरीके से रोका गेंद को, अच्छे से रक्षक यहां से और टीम के लिए मानो 5 रन यहां से बचाए हैं। कमाल की फील्ड, तारीफ करूंगा इस फील्ड की। और इस सिंगल की जल्दी टीम का स्कोर 119 पे अंतिम गेंद यहां से शेष, एक ही गेंद यहां से बाकी इस इनिंग की। इस बार फुल टॉस गेंद और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के चलते टीम का स्कोर 125 पे 125 125 पे टीम का स्कोरबोर्ड। लंबा चौड़ा स्कोरबोर्ड यहां पर खड़ा किया है। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर दशरथ द्वारा।